उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का निष्कर्ष आते ही अखिलेश यादव की संपत्ति पर बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले क्या अखिलेश यादव के घर भी ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं के घर ईडी सीबीआई की छापेमारी लगातार चल रही है, तो क्या अगला नंबर अखिलेश यादव का है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से जो है नामांकन किया था। इस नामांकन में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों समेत तमाम जो है संपत्ति का ब्यौरा दिया था। हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि इस 40 करोड़ की संपत्ति में इजाफा हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी संपत्ति को छुपाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास महज 1.79 लाख और पत्नी डिंपल यादव के पास करीब 3.32 लाख रुपए की जो है संपत्ति बताई जा रही है। अखिलेश के नाम पर 7 और डिंपल यादव के नाम पर 11 बैंक खाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का मुख्य जरिया कृषि और लोकहित वेतन किराया बताया है। पत्नी डिंपल यादव की आय का स्रोत पूर्व सांसद पेंशन, किराया और खेती बताई गई है। बैंक खाते में अखिलेश के पास 5.56 करोड़ और डिंपल यादव के खाते में 2.57 करोड़ रुपए जमा है। दोनों के पास मिलकर जो है अगर यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर 26.83 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति बताई जा रही है। वहीं अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के पास 10.39 लाख रुपए की चल संपत्ति बताई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सालाना आय 83.98 लाख रुपए और पत्नी डिंपल की 58.92 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल से 8.15 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हालांकि अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव को 2.13 करोड़ रुपए का कर्जा भी दिया है। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव ने 6 अन्य कंपनियों व लोगों को लाखों रुपए का उधार दिया है। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव के घर जो है सीबीआई पहुंचेगी? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पहले बड़े दावे ठोक रहे हैं, और ये लगातार कह रहे हैं कि इस बार 80 लोकसभा सीटों में से 80 ही लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी को ही मिलेंगी। इस बड़े दावे को सुनने के बाद लगातार अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर चर्चाएं जो है हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आई, 40 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये तो उस वक्त की संपत्ति है जब अखिलेश यादव ने जो है विधानसभा चुनाव में नामांकन किया था, लेकिन अगर महज 2 से 3 साल की बात करें तो ये 40 करोड़ कहीं ना कहीं 50 करोड़ के ऊपर पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि संपत्ति को सुनने के बाद क्या अब जो है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा या फिर सीबीआई का छापा पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।